हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका लैपटॉप का बैटरी खराब हो जाए तो लैपटॉप का बैटरी खराब होने के बाद लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, और लैपटॉप का बैटरी खराब होने के बाद आप उस लैपटॉप को कैसे चला सकते हो विदाउट बैटरी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहले आपको ये समझना होगा लैपटॉप का बैटरी जो होता है वो, लैपटॉप अगर पुराना हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, उसका बैटरी जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका जो बैकअप टाइम है वो कम हो जाता है। तो हमें पहले अगर 3-4 घंटा बैकअप मिलता था, उसके बाद 2 घंटा 1 घंटा इस तरह से कम होता रहता है। उसके बाद अगर बैटरी में अगर कोई भी सेल ख़राब हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, बैटरी जो है मतलब उसमें काम नहीं करता है, और लैपटॉप क्या होता है बार बार रिस्टार्ट करने में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बार बार रिस्टार्ट होने लगता है। तो बैटरी अगर मान लीजिए पूरा ख़राब हो जाए, पूरा ख़राब नहीं होता है, बैटरी में क्या होता है, जो लैपटॉप का बैटरी होता है उसमें 6 सेल 8 सेल इस तरह से सेल होता है, सेल का बंडल होता है। जैसे पूरा एक बैटरी है उसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी होता है उसका जो पेंसिल बैटरी की तरह होता है, उसका जो 6 सेल का ग्रुप होता है। जैसे मेरे लैपटॉप में 6 सेल बैटरी है, तो मतलब उससे 6 सेल का ग्रुप है, तो उसमें 6 अलग अलग बैटरी है और उसमें पूरा ग्रुप बना के एक बैटरी बनता है। तो उसमें से क्या होता है, कभी कभी एक सेल भी ख़राब हो जाए बाकी 500 सेल जो है वो अच्छा रह जाए तो भी पूरा बैटरी का मतलब ख़राब हो जाता है, तो उससे कोई काम नहीं होता है। लेकिन अब अगर उस एक ख़राब सेल को निकाल के बाकी 5ों सेल को आप दूसरे किसी काम के लिए यूज़ कर सकते हो, उससे अलग से बैटरी बना सकते हैं, आप रिचार्जेबल कोई लाइट बना सकते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका बैटरी इस तरह से ख़राब हो जाए तो आप उस बैटरी को क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो लैपटॉप में प्रॉब्लम आएगा, लैपटॉप बार बार ऑन ऑफ होगा और आपका जो लैपटॉप ठीक से काम नहीं करेगा, आपको लगेगा कि लैपटॉप ख़राब हो गया है, इसका रैम ख़राब हो गया या फिर उसका प्रोसेसर ख़राब हो गया, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी बैटरी ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है। तो आप उसको कैसे चला सकते हैं, बैटरी ख़राब हो ऐसा अगर बैटरी की वजह से हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बैटरी पहले से ही धीरे धीरे बैकअप कम देने लगेगा, उसके बाद आधा घंटा बैकअप देगा, उसके बाद जाके लास्ट में बैटरी ख़राब होता है। बहुत अगर 3-4 साल हो गया, 5 साल हो गया पुराना, बहुत पुराना होने के बाद बैटरी ख़राब होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप का बैटरी ख़राब है, तो यहाँ से जो बैटरी है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैटरी होता है लैपटॉप का, तो मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि ये बैटरी ख़राब है। अभी नया बैटरी ऑर्डर किया है, तो लगाने के बाद भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से यूज़ होता है, उसको कैसे लगाते। तो यहाँ पे आप उस बैटरी को लगा सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप का बैटरी ख़राब हो जाए तो रिमूव करने के बाद भी आप विदाउट बैटरी उस लैपटॉप को चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्वर्टर कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप उसको डायरेक्टली बोर्ड में लगाते हैं करंट विदाउट बैटरी तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो है इन्वर्टर कनेक्शन होना चाहिए घर में, तब क्या होगा आपका जो करंट जाने के बाद भी आपका लैपटॉप जो है वो ऑफ नहीं होगा। अगर डायरेक्टली ऐसे लैपटॉप ऑफ हो जाता है तो क्या होगा, विदाउट इन्वर्टर भी लैपटॉप चल जाएगा, लेकिन अगर करंट जाएगा तो डायरेक्टली वो ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर, तो आप शटडाउन नहीं कर सकते। और डायरेक्टली ऑफ होने से क्या होगा, उसका सिस्टम धीरे धीरे ख़राब होता रहेगा, मतलब बार बार सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आप विदाउट इन्वर्टर नहीं चला सकते विदाउट बैटरी से। तो आप इन्वर्टर है तो आप इस तरह से मेरे जैसा यहाँ पे इस तरह से बैटरी को निकाल के भी आप उसको चला सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बैटरी के बिना भी लैपटॉप आप चला सकते हैं, लेकिन वो आप डायरेक्टली प्लग में लगा के आप चला सकते हैं, अलग से उसको निकाल के तो नहीं चला सकते।